चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के वन की जिलेवार स्थिति के बारे में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। इन जिलों में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बालाघाट में 4,922.78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, छिंदवाड़ा में 4,608.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं और बैतूल में 3,662.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 4,608.13 वर्ग किलोमीटर, बैतूल का क्षेत्रफल है 3,662.79 वर्ग किलोमीटर और श्योपुर का वन क्षेत्र है 3,443.791 वर्ग किलोमीटर और सिवनी का जो वन का क्षेत्रफल है वह 3,063.03 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बालाघाट में। तो ये जो बताया गया है यह सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं। ये नेक्स्ट है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश के जिले वो जिले हैं जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले हैं। पहला उज्जैन, उज्जैन का क्षेत्रफल है वो 36.78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। शाजापुर में 61.91 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और रतलाम में 75.16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजगढ़ में 171.80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दतिया जिला में 212.78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है। फिर है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। पहला है बालाघाट जो कि 53.34% है वन क्षेत्र और श्योपुर में 52.13% है। उमरिया में 49.10% है। मंडला में 44.43% है और डिंडोरी में 40.46% वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले। इसमें उज्जैन 0.60%, शाजापुर में 1% क्षेत्रफल में वन फैले हुए हैं। रतलाम जिले में 1.55%, राजगढ़ में 2.79%, भिंड में 5.08%। इन परसेंटेज में न्यूनतम 1% वाले मध्य प्रदेश के ये जिले हैं।